तो दिल्ली चुनाव को लेकर आबकारी विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 6 फरवरी से 9 फरवरी तक दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग के आदेश पर आबकारी विभाग का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें आबकारी विभाग ने 6 फरवरी से 9 फरवरी तक शराब की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। 6 से 9 फरवरी तक दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। चुनाव को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला आबकारी विभाग की तरफ से चुनाव आयोग के आदेश के बाद हुआ है, और हर चुनाव के वक्त इस तरह के आदेश दिए जाते हैं। हमारे सहयोगी दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्यांशु, चुनाव आयोग के आदेश पर आबकारी विभाग ने ये फैसला लिया। देखिए बिल्कुल शाकिर, आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी चुनाव होता है तो उसमें आशंका यही जताई जाती है चुनाव आयोग की तरफ से कि जो कैंडिडेट हैं वो शराब बांट सकते हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस बार जो चुनाव आयोग ने आयोग है उसने सीधा तौर पर आबकारी विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि आप 6 तारीख से 9 तारीख तक जो है वो दुकान शराब की बंद करने का आप निर्देश जारी कीजिए। और यही वजह है कि 6 तारीख से जो है 9 तारीख तक दुकान बंद रहेगी। हालांकि 8 तारीख को इलेक्शन है, लेकिन 9 तारीख को जो है रविदास जयंती है, तो कंटिन्यू जो है शराब की दुकानें 9 तारीख तक बंद रहेंगी। और राइट सी बात है कि कैंडिडेट शराब को बंटवा ना पाए, ये एक मकसद है चुनाव आयोग की तरफ से। हालांकि चुनाव आयोग की जो टीमें हैं वो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन के वक्त सभी विधानसभाओं में घूमती हैं और अगर किसी भी तरीके की शराब बांटी जा रही होती है उस पर शिकंजा कसती है। लेकिन एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि ये आबकारी विभाग की तरफ से लिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।